नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। पिपराइच थाने की पुलिस ने लूट करने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने पुलिस लाइन के व्हाइट सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान दीपक उर्फ दीपक दीप पुत्र सुभाष निवासी उनौल टोला सलेमपुर थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर, दूसरा राज गौड़ उर्फ बिट्टू गौड़ पुत्र राजेंद्र गौड़ निवासी उनौला द्वयम थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से चोरी की दो मोटरसाइकिल के लूट और 5 मोबाइल 1000 नगद बरामद किया गया। एसपी नॉर्थ ने बताया कि दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में पिपराइच थाने के वरिष्ठ उपनिरीक्षक सोनेंद्र सिंह, उपनिरीक्षक जयप्रकाश यादव, राजकुमार शिव प्रकाश सिंह, कांस्टेबल दीपक सिंह शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, दिनांक 14 फरवरी को थाना पिपराइच में डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव का मोबाइल दो लुटेरों ने छीन लिया था, जिस पर थाना पिपराइच द्वारा कार्रवाई की गई, अभियोग पंजीकृत किया गया और सर्विलांस व लोकल इंटेलिजेंस की मदद से दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। इन अभियुक्तों का नाम बिट्टू गौड़ और दीपक है। इनके ऊपर और भी पुराने मुकदमे हैं। इनके पास से एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है जो चोरी की है, उसको भी इस मुकदमे में उसका भी वारंट बनाया जाएगा। इस प्रकार इनके पास से मोबाइल और मोटरसाइकिल की बरामदगी की गई है और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है।